हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टू एक्सप्लोर। तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बेहद खास, क्योंकि आज आप जानेंगे आखिर में कोरोना वायरस है क्या। होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी रहेगा तो बचाव भी कर सकेंगे, और आगे का जो निर्धारण रहेगा आप कैसे बचें, क्या करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, सब कुछ के बारे में ये वीडियो खास करके कोरोना वायरस पे है। और हाँ, खास बात, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे थंबनेल पे कि वीडियो में लिखा हुआ है आखिर जाएगा कब कोरोना वायरस। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं इस कोरोना वायरस के बारे में। तो बने रहे वीडियो के साथ अंत तक, और आपको यहाँ जानकारी मिलेगी, पर्याप्त जानकारी मिलेगी। और बस ये 7-8 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा आपको नहीं समय लगेगा। बस पूरा वीडियो अंतिम तक देखें, और अगर वीडियो अच्छे लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल जाके क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज का ये टॉपिक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में बहुत डर बना हुआ है उस टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। तो आप शायद जान ही गए होंगे कोरोना वायरस। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बात कोरोना वायरस के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे, जिसे आप जानना तो जरूर चाहेंगे, कुछ जानते भी होंगे, कुछ जानना चाहेंगे आखिर नया क्या है इस वीडियो में। इसलिए डरना है क्योंकि इसका अभी तक वैक्सीन नहीं निकला है, वैक्सीन निकल जाएगा वायरस खत्म। कोरोना वायरस पे पहला सवाल, कोरोना वायरस है क्या आखिर में। कोरोना वायरस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक वायरस यानी विषाणु है। विषाणु, विष, नुकसान, जान ही दे रहे। लेकिन बता दूं, विषाणु हमारे सबसे पहले इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है या ना के बराबर कर देता है, जिस कारण से हमें दूसरे रोग होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बात और, कोरोना वायरस आखिर है क्या। ये एक वायरस है जैसे कि और सारे विषाणु होते हैं जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को घटा देते हैं। कोरोना वायरस की फैमिली होते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली होते हैं अंकल आंटी भाई बहन माता पिता, उसी तरह। और कोरोना वायरस के फैमिली में बता दें आपको 3 तरह के हैं। पहला SARS SARS, दूसरा MERS MERS, और तीसरा जो खतरनाक अभी आया है जो कि हमारे चाइना के वुहान सिटी से उत्पन्न हुआ है 2019 के दिसंबर में, वो है कोरोना वायरस। और इसका एक मुख्य नाम और है COVID-19। COVID-19 तो आप समझ रहे होंगे, 2019 के कारण से 19 दिया गया। कोविड क्या है? CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज 19। ये हो गया कोरोना वायरस के मुख्यतः सारे नाम और उसके फैमिली के बारे में जानकारी। अब आपको हम बता दें जो कोरोना वायरस जो है ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को जो घटाता है, फिर वो क्या करता है, क्या सिम्टम्स हैं, तो कैसे जाने जो आपको कोरोना वायरस हो गया है। एक बात बता दूं मैं आपको, कोरोना वायरस के लक्षण सेम टू सेम कोल्ड एंड कफ यानी सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसे ही रहते हैं। कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है जो दूसरे बीमारी शरीर में हावी हो जाते हैं यानी अटैक करते हैं। और एक बात बता दें आपको, कोरोना वायरस नाम से अभी डर जैसा लग रहा है, कोरोना वायरस COVID-19 ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमें कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है और हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाके ऑल का बटन जरूर दबाएं। हाँ, और कमेंट भी कर सकते हैं। पहली बात, हमने जैसा देखा कोरोना वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को घटाता है, तो सबसे पहले हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता नेचुरली कैसे बढ़ाएं, घर में बैठे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं कैसे। तुलसी, हल्दी, लौंग, इलायची, दूध, अदरक, ये सब का कुछ न कुछ मिश्रण करके हम पी सकते हैं और सुबह शाम लेने से हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकता है। तो ये हमें घर में ही मिल जाएगा, आमतौर से घर में रहते हैं, हमें इसे यूज करके हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। और 3 चीज तो आप सभी जान रहे हैं कि कैसे बचा जाए कोरोना वायरस। पहला चीज, हैंड सैनिटाइजर, कोई भी कंपनी का सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल, बस लेना है सैनिटाइजर, सांस में निकालना है थोड़े से अमाउंट में, और उसके बाद
उसको अच्छे से लगाना है 10 से 20 सेकेंड तक। ये हो गया हैंड सैनिटाइजर। दूसरा चीज फेस मास्क। अगर आप स्वास्थ्यकर्मी या पुलिसकर्मी हैं या ऐसे हैं जो कि मदद कर रहे हैं कोरोना से लड़ने में, तो आप N95 मास्क जरूर लगाएं। अगर आप आम आदमी या कि जा रहे हैं मार्केट या कहीं को जा रहे हैं, तो आप सिंपल मास्क भी लगा सकते हैं, और मास्क लगाना जरूरी है। मास्क आप लगाए, बस जरा सा कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे लिए और ये मास्क लग गया। मास्क लगाए, सुरक्षित रहें। और तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सोशल आपस में दूरी बना के रखें, क्योंकि कोरोना वायरस जो है, अगर कोई छींकता है, कोई खांसता है, तो कोरोना वायरस कुछ दूरी 1-2 मीटर की दूरी तक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। 1-2 मीटर की दूरी में जो रहता है, उसको नीचे गिरने से पहले कुछ देर तक वो रहता है ऊपर में, तो वो डिस्टेंस जो मेंटेन कीजिएगा तो आप तक वो कोरोना वायरस नहीं पहुंच पाएगा। ये हो गया आपको कोरोना वायरस का तत्कालिक बचाव और आपका इम्यून सिस्टम का ग्रोथ। अब चलिए आपको बताते हैं कुछ खास बातें जो कि आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, इसमें नया क्या है। आइए आपको कुछ हम नया बताते हैं कोरोना वायरस के बारे में। इस वीडियो का मुख्य सवाल यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर ये जाएगा कब। जैसा कि मैंने कहा, ये कहीं नहीं जाने वाला है भाई, जब तक कि इसका संपूर्ण इलाज यानी वैक्सीनेशन न निकल जाए। वैक्सीन निकलेगा इसका, मार्केट में आएगा, वाइड एरिया स्प्रेड में फैलेगा और फिर हमारा इलाज हो सकेगा। तब तक के लिए हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। साथ रहने का मतलब है कितने दिन भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी आ सकता है, 6 महीने भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद तो इस साल नहीं ही आने का चांस है। आएगा तो 2021 तक आ जाएगा, 2021 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो कभी भी आ सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। जब तक कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब तक अपना ह्यूमन ट्रायल के बाद पूरा प्रोसेस नहीं कर लेती, तब तक कोई भी दवा कंपनी नहीं निकाल सकती है इसका वैक्सीनेशन। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। हमारी सरकार, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी सब डट के लड़ रहे हैं। आप भी लड़िए, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और कोरोना को भगाइए जितने जल्द से जल्द हो सके। हमारे बीच दवाई भी आ जाएगी कुछ दिन में, तब तक के लिए हमें खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी आपको कुछ और नई अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बेल आइकन पे जाके ऑल का बटन जरूर दबाएं। हाँ, और कमेंट भी कर सकते हैं।